आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है, माना VR एक समांतर श्रेणी के प्रथम R पदों का योग को प्रदर्शित करता है जिसका प्रथम पद R तथा सातवां अनुपात 2R-1 है। माना TR बराबर VR प्लस 1 माइनस VR माइनस 2 तथा QR बराबर TR प्लस माइनस TR, जहां R बराबर 1, 2, 3 ठीक इसी प्रकार है, तो TR सदैव 1 है। तो हमें TR के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें VR एक समांतर श्रेणी दी गई है जो प्रथम R पदों के योग को प्रदर्शित करती है। यहाँ से यदि देखें तो प्रथम पद इसका दिया गया है A बराबर R, तो सार्वानुपात को हम R से D से लिख सकते हैं, तो सार्वानुपात यहाँ से दिया गया है D बराबर 2R-1। और VR दिया गया है हम प्रथम N पदों का योग। हम जानते हैं समांतर श्रेणी के N पदों का योग SN से लिखा जाता है, जो कि बराबर होता है N/2 × 2A + N-1 × D के बराबर। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास SN बराबर यहाँ से R पदों का योग VN से लिखा गया है, तो VR बराबर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, VR बराबर हो जाएगा, N के स्थान पर हमने R पद लिए है तो R/2, A के स्थान पर हमने R लिया है तो 2R प्लस N के स्थान पर R-1 और D का मान है 2R-1। अब यदि इसे सरल करते हैं तो VR का मान आ जाएगा, यहाँ से VR बराबर हमारे पास आ जाएगा R/2 2R, और इसे गुणा करके हम लिख सकते हैं 2R² - 2R-R+1। अब यदि यहाँ से देखें प्लस आर माइनस 2R आपस में कट जाएंगे ये, तो और यहाँ से सरल होके आ जाएगा 1/2, और यह हमारे पास लिखा जा सकता है यहाँ से 2R³ - R, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +1। माफ कीजिए, यहाँ से हमने R को अंदर गुणा किया है तो यह R² हो जाएगा और यह यहाँ से प्लस R हो जाएगा। यह आ गया हमारे पास VR। अब हमें TR क्या दिया गया, TR के विषय में पूछा गया, TR दिया गया VR प्लस 1 माइनस VR माइनस 2, तो यहाँ से हम TR लिख सकते हैं, VRTR बराबर है हमारे पास यहाँ से VR प्लस 1 माइनस VR माइनस 2। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करके लिखते हैं, यह लिखा जा सकता है 1/2, R प्लस R के स्थान पर R प्लस 1 लिख देंगे तो 2 × R+1³ - R+1² + यहाँ से आ जाएगा R+1, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1/2, और VR के स्थान पर आ जाएगा 2R³ - R² + R, और यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा। इसे यदि सरल करते हैं तो 1/2, यहाँ से 2 × R+1³ को हम लिख सकते हैं R³ + 1³ 1 होता है, प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3R × R+1 लिखा जाएगा यहाँ से, माइनस R+1² को यदि हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा R² + 2R+1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस यहाँ से R+1, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2, दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1/2 यदि कॉमन लेते हैं तो इससे 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से लिखा जाएगा -2R³ - R² + R, और यहाँ से यह हो जाएगा -4 क्योंकि 1/2 हमने कॉमन ले लिया है। तो इसे यदि सरल करें यह लिखा जा सकता है 1/2, यहाँ से 2R³ आएगा प्लस 2R, और इसे सरल करते हैं तो 3R² को 2 से गुणा करेंगे तो 6R², 3R को 2 से गुणा करेंगे तो 6R, माइनस का R² - 2R - 1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का R+1, और यहाँ से -2R³ प्लस का R² -R - 4। अब यदि यहाँ से देखें तो 2R² से -2R² का 2R³ -2R³ से कट जाएगा, और यहाँ से प्लस का 2R - 2R से कट जाएगा, और यहाँ से यदि हम देखते हैं तो यह है प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाएगा, और यह बन जाएगा 6R², और यह है 1 7R² प्लस का R² माइनस के R² से कट जाएगा, और प्लस का R माइनस के R से कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास केवल 6R बचा है और माइनस का 4 बचा है। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करते हैं तो यह है हमारे पास आएगा 1/2 गुणा यहाँ से 6R² आ जाएगा प्लस 6R आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो यह है हमारे पास लिखा जा सकता है 3R² + 3R - 2। अब जैसा कि हम जानते हैं यदि हम यहाँ से R विषम संख्या लेते हैं, यदि R विषम होगी, विषम संख्या, तो यहाँ से हम जानते हैं विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या आएगा, तो R² एक विषम संख्या आएगा,
और यदि आर स्क्वायर को हम यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो एक विषम संख्या को यदि विषम संख्या से गुणा करते हैं तो 3r² यह भी हमारे पास विषम संख्या आएगा, और r हमने पहले से विषम लिए, एक विषम संख्या को दूसरी विषम संख्या से गुणा करें तो 3r जो आएगा वह भी विषम संख्या ही आएगा, और दो विषम संख्याओं का योग हम जानते हैं सदैव एक सम संख्या होता है, तो यहाँ से 3r² + 3r हमारे पास क्या आएगा, सम संख्या, और सम संख्या का सम संख्या से घटाओ हमारे पास क्या आएगा, 3r² + 3r - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एक सम संख्या। तो यहाँ से जब भी r एक विषम संख्या होगी हमारे पास tr जो आएगा वह एक, यह हम tr ही निकाल रहे हैं तो tr एक सम संख्या आएगा। अब दूसरी स्थिति हम यहाँ से लेते हैं r सम संख्या है, अब यदि r कोई सम संख्या है, हम जानते हैं सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होगा, तो r² सदैव एक सम संख्या होगी। अब यदि यहाँ से हम इसे एक विषम संख्या से गुणा करते हैं, सम संख्या को यदि विषम संख्या से भी गुणा करें तो सम संख्या ही बनेगी, तो 3r² सम होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 3r जो आएगी वह भी सम संख्या ही होगी, और दो सम संख्याओं का अंतर सदैव एक सम संख्या होता है और योग भी सदैव एक सम संख्या होता है, तो 3r² + 3r हमारे पास सदैव एक सम संख्या होगा, और एक सम संख्या में से दूसरी सम संख्या अर्थात 2 घटाएंगे, 3r² + 3r - 2 हमारे पास सदैव क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी। तो यहाँ से हमने r सम संख्या भी लेके देख लिया और विषम संख्या भी लिख लिया, tr तो सदैव हमारे पास एक सम संख्या है, अतः tr सम संख्या है, तो tr सदैव हमारे पास एक सम संख्या आएगा। अब यदि विकल्पों से हम तुलना करें तो हमारा विकल्प सम संख्या है, एक सही विकल्प होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।